अबाउट द फेशिया ऑफ द थाई। देखिए जब भी हम डीप फेशिया ऑफ थाई करते हैं, ये डीप फेशिया ऑफ थाई क्या कहलाता है, इसका दूसरा नाम होता है फेशिया लाटा। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द डीप फेशिया ऑफ थाई? फेशिया लाटा। सो फेशिया लाटा और द डीप फेशिया ऑफ द फ्रंट ऑफ थाई इज द सेम थिंग। ठीक है, अब ये जो फेशिया लाटा है, ये जब आप थाई को देखोगे तो इट एनक्लोजेस द थाई लाइक ए ट्राउजर, और यू कैन से इट एनक्लोजेस द थाई लाइक ए स्टॉकिंग। मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा थाई है, इस थाई के एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, मीडियली एंड लैटरली चारों तरफ, जैसे आप पैंट पहनते हो या ट्राउजर पहनते हो या लॉन्ग सॉक्स जिनको हम स्टॉकिंग्स पहनते हैं, सो जिस तरह से वो आपके पूरे लिम्ब को चारों ओर से कवर करता है, उसी तरह से फेशिया लाटा आपकी लिम्ब को चारों ओर से कवर कर लेता है। ठीक है, ये जो डीप फेशिया है या फेशिया लाटा है जो कि हमें लोअर लिम्ब में मिल रहा है, इसका मेन और इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो क्या है? तो फेशिया लाटा के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसमें से एक हम फंक्शन पढ़ते हैं, इट प्रोवाइडेड द सेप्टास, है ना। डीप फेशिया क्या प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइडेड द इंटर मस्कुलर सेप्टा। इंटर मस्कुलर सेप्टा प्रोवाइड करने से क्या होता है कि ये जो हमारा सर्कमफेरेंस है लिम्ब का, और बीच में लोअर लिम्ब में यहाँ पे बोन कौन सी होती है? फीमर। और ये जो फीमर का पोस्टीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर बॉर्डर तक इस तरह से सेप्टा होते हैं, तो ये पूरा की पूरा लिम्ब किसमें डिवाइड हो गया? कंपार्टमेंट्स में। तो एक कंपार्टमेंट ये है, एक कंपार्टमेंट ये है, एक कंपार्टमेंट ये हो गया। तो फेशिया लाटा का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हुआ लोअर लिम्ब में? दैट इट प्रोवाइडेड द इंटरमस्कुलर सेप्टास, एंड दीज सेप्टास डिवाइड द होल सर्कमफेरेंस ऑफ द लिम्ब इनटू द थ्री कंपार्टमेंट्स। ठीक है, इन कंपार्टमेंट्स की वजह से जो सबसे एक और इंपॉर्टेंट चीज सामने आती है वो ये है कि हमारे जो लोअर लिम्ब में डीप वेन्स है, दे हैव टू पुश द ब्लड अगेंस्ट द ग्रेविटी, है ना। सो अगर ब्लड को अगेंस्ट द ग्रेविटी पुश करना है, तो जो वेन्स यहां पे कंपार्टमेंट्स के अंदर होती हैं, वो वेन्स जो मसल्स के बीच में रन कर रही हैं, तो यहां पे मसल के कॉन्ट्रेक्शन से जो प्रेशर क्रिएट होता है, वो प्रेशर इन वेन्स में ब्लड को ऊपर की तरफ पुश करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो कंपार्टमेंट बनने का ये लोअर लिम्ब में बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि दैट दिस कंपार्टमेंट अरेंजमेंट इन द लोअर लिम्ब इज हेल्पफुल इन द वीनस रिटर्न अगेंस्ट द ग्रेविटी। ठीक है, दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है डीप फेशिया का कि जब भी आप कंपार्टमेंट्स के अंदर मसल्स देखते हो, तो ये जो हम सेप्टास देख रहे हैं या जो हम ये डीप फेशिया की लेयर देख रहे हैं, ये डीप फेशिया की लेयर एंड ये जो सेप्टास हैं, दे विल प्रोवाइड एडिशनल सरफेस फॉर द ओरिजिन ऑफ मसल फाइबर्स। ठीक है, सो मसल फाइबर्स का ओरिजिन बोन के अलावा और कहां से होता है? इस डीप फेशिया से होता है। सो मसल जो होती है लोअर लिम्ब की, वो बल्कि हो जाती हैं, उनके अंदर नंबर ऑफ फाइबर्स बढ़ जाते हैं, बिकॉज यू आर गेटिंग द एडिशनल सरफेस फॉर द ओरिजिन नॉट ओनली फ्रॉम द बोन बट ऑल्सो फ्रॉम द सेप्टास एंड फ्रॉम द डीप फेशिया, दैट इज द फेशियल लाटा। इसके अलावा लोअर लिम्ब में हम एक डीप फेशिया का मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज इलियोटिबियल ट्रैक्ट। ठीक है, व्हाट इज दैट? इलियोटिबियल ट्रैक्ट, और इट इज आल्सो नोन एज आईटी बैंड, जो कि लैटरल एस्पेक्ट में होता है। ये आईटी बैंड हमारे नी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहता है। ठीक है, और यहां पे डीप फेशिया रिसीव करता है इंसर्शन ऑफ मसल्स। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है आपका, यहां पे एक क्वेश्चन बनता है कि जनरली जब भी हम मसल्स की बात करते हैं, दे जनरली इंसर्ट इनटू द बोन, बट यहां पे क्वेश्चन क्या बना? नेम द मसल्स दोज आर इंसर्टिंग इनटू डीप फेशिया। ठीक है, इंसर्शन कहां है? दे आर इंसर्शन इनटू द डीप फेशिया, नॉट ऑन द बोन। सो यहां पे आपको दो नाम याद रखने हैं, पहला टेंसर फेशिया लाटा और दूसरा 3/4 पार्ट ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस मसल का 3/4 पार्ट। तो यहां पे इस डीप फेशिया से रिलेटेड ये एक और
मल्टीपल चॉइस या फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन बनता है कि उन मसल्स के नाम बताइए जो डीप फेशिया में इंसर्ट होती है। जनरली हम ये पढ़ते हैं कि मसल्स का इंसर्शन बोन पे जाके होता है, लेकिन यहाँ पे दो मसल हैं जो डीप फेशिया में इंसर्ट हुई, और ये जो पार्ट है जहां पे ये मसल डीप फेशिया में इंसर्ट होती है, डीप फेशिया का ये एरिया क्या कहलाता है? इलियो टीबियल ट्रैक। ठीक है, तो इलियो टीबियल ट्रैक भी बेसिकली क्या है? डीप फेशिया का ही एक मॉडिफिकेशन है इन द लैटरल साइड ऑफ द थाई। ठीक है, तो ये तो एक बेसिक बात हुई कि डीप फेशिया ऑफ थाई के क्या क्या काम है। इसके और भी बहुत सारे फंक्शन है, बट आई टोल्ड यू अबाउट सम इंपॉर्टेंट फंक्शन। नाउ इस डीप फेशिया का ओरिएंटेशन कैसे होता है लोअर लिम में? तो देखिए, एक यहां पे छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ये समझना है कि जब हम फ्रंट ऑफ थाई और अपर पार्ट ऑफ थाई के अंदर इस डीप फेशिया का ओरिएंटेशन देखते हैं, तो हमें ये रियलाइज होगा कि ये आपका एब्डोमेन है ना, दिस इज योर अम्बिलिकस। ठीक है, यहां पे यू विल हैव लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन द फ्रंट ऑफ थाई एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, ये हमारे दिस इज द थाई। अब ये जो एरिया है, ये एरिया क्या कहलाया? दिस रीजन इज द इंग्वाइनल रीजन। व्हाट इज दैट? इंग्वाइनल रीजन और इंग्वाइनल एरिया, जिसको हम लेमेन टर्म में ग्रोइन बोलते हैं। अब यहां पे अगर आप सेक्शन लोगे, इफ यू टेक द सेक्शन, ठीक है, इन द सेरेटल प्लेन, व्हाट यू आर एबल टू सी इज कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो होती है, उस एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में सपोज ये स्किन है, ठीक है, ये तो स्किन है और ये स्किन इसी तरह से थाई में जा रहा है। ये मैंने जो डिप्रेशन बनाया है, ये ग्रोइन का बनाया है। ये स्किन किसकी है? एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की, और ये स्किन है फ्रंट ऑफ थाई की। इसके नीचे क्या होगा? इसके नीचे होगा फैटी टिश्यू, दैट इज द सुपरफिशियल फेशिया। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो आपको पता होनी चाहिए कि एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल हैज नो डीप फेशिया। यहां पे डीप फेशिया नहीं है, ठीक है, लेकिन फ्रंट ऑफ थाई में डीप फेशिया प्रेजेंट है। यहां पे डीप फेशिया प्रेजेंट होता है, लेकिन यहां पे डीप फेशिया नहीं है। यानी अगर मैं यहां पे डीप फेशिया बना रहा हूं थाई के अंदर, तो इसका जो ये अपर मार्जिन है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस अपर मार्जिन ऑफ द फ्रंट ऑफ थाई, ये कहां जाके अटैच होगा? देखिए, एक छोटा सा कंसेप्ट यहां पे समझने की कोशिश करो कि स्किन तो स्किन के साथ कंटिन्यू कर गई, फैट फैट के साथ कंटिन्यू कर गया, है ना। अब मैं कह रहा हूं कि यहां पे डीप फेशिया लेयर है ही नहीं, लेकिन यहां थाई में तो डीप फेशिया है। तो अगर थाई में डीप फेशिया है, तो ये जो डीप फेशिया है, इस डीप फेशिया की जो ये अपर बॉर्डर है, ये अपर बॉर्डर ऊपर क्या हवा में लटकेगा? कहीं तो जाके इस डीप फेशिया को एंकर होना पड़ेगा, अदरवाइज वो थाई के अंदर जो मेंटेन कर रहा है स्ट्रक्चर्स को, जो उसका फंक्शन है, उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहां पे हमें ये देखना है कि डीप फेशिया यहां अराउंड द अपर पार्ट ऑफ द थाई, और यू कैन से इन दिस एरिया, कहां पे अटैच होता है। ठीक है, आपने ऐसा अटैचमेंट अपर लिम में नहीं पढ़ा। ठीक है, क्यों नहीं पढ़ा अपर लिम में? बिकॉज डीप फेशिया यहां पे हमने पढ़ा पेक्टोरल फेशिया, वो पेक्टोरल फेशिया कंटिन्यू करता है। इसी तरह से हम पढ़ते हैं नेक में डीप फेशिया, लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या हो रही है? द प्रॉब्लम इज दिस कि थाई में तो डीप फेशिया है, लेकिन एब्डोमेन में नहीं है। अगर सपोज एब्डोमेन में भी डीप फेशिया होता, तो ये डीप फेशिया ऑफ एब्डोमेन किसके साथ कंटिन्यू कर जाता? डीप फेशिया ऑफ थाई के साथ कंटिन्यू कर जाता। ठीक है, तो हमें यहां पे इस पॉइंट पे अलग से अटैचमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि एब्डोमेन में डीप फेशिया नहीं होता है, तो इस का जो अपर फ्री मार्जिन है थाई के, जो डीप फेशिया है उसका जो अपर फ्री मार्जिन है, ये कहीं ऊपर एंकर करेगा, कहीं जाके फिक्स होगा। ठीक है, इसीलिए आप यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आप पढ़ते हो, सुपीरियर अटैचमेंट ऑफ फेशियल लाटा। व्हाट इज दैट? सुपीरियर अटैचमेंट ऑफ फेशियल लाटा और सुपीरियर अटैचमेंट ऑफ द डीप फेशिया ऑफ थाई। उस अटैचमेंट को समझने के लिए अगर आप ये हिप बोन को देखोगे, तो हिप बोन में क्या होता है कि कुछ बोनी फीचर्स हैं जो आपको समझने होंगे। फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट कहलाता है प्यूबिक ट्यूबरकल। ठीक है, इस प्यूबिक ट्यूबरकल
का जो ये वाला पार्ट है, ये प्यूबिटिबर्कल किस बोन का पार्ट है, दिस इज प्यूबिस, ठीक है, दिस इज योर प्यूबिक रैमा है, बट ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, तो ये कहलाया सुपीरियर रैमस, ये कहलाया इंफीरियर रैमस ऑफ द प्यूबिस, और ये है आपका इस्चियम, तो ये इस्चियम का रैमा है, ये प्यूबिस का रैमा है, तो ये कंप्लीटली क्या कहलाया, इस्चियो प्यूबिक रैमा है। ये हो गया इस्चियल ट्यूबरोसिटी, ये वो ट्यूबरोसिटी है जो बेस ऑफ द पेल्विस बनाती है, जब हम सिटिंग पोजिशन में बैठते हैं तो इसके नीचे फैट होता है एंड दिस इज टूवर्ड्स द ग्राउंड, क्लियर, तो ये है इस्चियल ट्यूबरोसिटी, क्लियर। यहां पे ये जो एरिया है, दिस इज नोन एज इलियक क्रेस्ट, दिस इज द इलियक बोन, एंड इस इलियक बोन का ये जो अपर बॉर्डर है दैट इज इलियक क्रेस्ट, और इसका एंटीरियर पॉइंट कहलाता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ठीक है, और यह क्या है, क्रेस्ट ऑफ द इलियम, और पीछे आप जाते हो तो यहां पे जो बोन आएगा वो होगा सैक्रम, ठीक है, बिकॉज एक हिप बोन इधर भी आएगी, दोनों के बीच में यहां होगा सैक्रम और नीचे होगा कॉक्सिस, ठीक है। अब क्या होता है कि जब पीछे आप यहां सैक्रम देखते हो, सपोज यहां सैक्रम है, तो सैक्रम के डॉर्सल सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द सैक्रम और इस ट्यूबरोसिटी के बीच में यहां एक लिगामेंट आता है, ठीक है, सपोज ये जो मेरी फिंगर्स हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग ए कनेक्शन बिटवीन द पोस्टीरियर साइड, बिकॉज ये अगर यहां पे अगर सैक्रम है तो आप जब पीछे से देखोगे तो पोस्टीरियर साइड ऑफ सैक्रम नजर आएगा, तो पोस्टीरियर साइड ऑफ सैक्रम और इस्चियल ट्यूबरोसिटी के बीच में यहां एक लिगामेंट इस तरह से कनेक्ट रहता है, एंड दिस लिगामेंट इज नोन एज सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, व्हाट इज दैट, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, ठीक है। तो अगर सपोज हम एक बॉर्डर ड्रॉ करें, ठीक है, एक लाइन ऑफ अटैचमेंट ऑफ द फेशिया अटैच जो कि ऊपर की तरफ अटैच होगा, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे, प्यूबिक ट्यूबरकल, सो ये प्यूबिक ट्यूबरकल से मैंने स्टार्ट किया, ठीक है, और ये गया एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक। नाउ एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक जो ये एरिया है ये कहलाता है इंग्वाइनल लिगामेंट, तो फेशिया स्टार्ट होता है अटैच होना प्यूबिक ट्यूबरकल से, उसके बाद वो इंग्वाइनल लिगामेंट की लोअर बॉर्डर पे अटैच हो जाता है, और कहां तक पहुंच गया, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। नाउ फ्रॉम द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन दिस फेशिया विल गेट अटैचमेंट ऑन द आउटर बॉर्डर ऑफ दिस इलियक क्रेस्ट, कहां पे, आउटर बॉर्डर ऑफ इलियक क्रेस्ट। नाउ इलियक क्रेस्ट के पीछे जब पोस्टीरियर पे पार्ट पे आप पहुंचे तो यहां पे कौन सा बोन है, सैक्रम, सो नाउ दिस डीप फेशिया विल अटैच टू द डॉर्सल सरफेस ऑफ द सैक्रम। नाउ फ्रॉम दिस डॉर्सल सरफेस ऑफ द सैक्रम दिस फेशिया विल गेट अटैच टू द सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, कौन सा लिगामेंट, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट जो यहां पे पीछे होता है, तो ये फेशिया ऑफ सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट से अटैच होता है। नाउ अगेन व्हेन वी विल रीच टू द इस्चियल ट्यूबरोसिटी, नाउ दिस लिगामेंट विल गेट अटैच टू द कंजॉइंट इस्चियोप्यूबिक रैमा है, देन इट विल कम ऑन द, दिस इज नोन एज प्यूबिक सिम्फाइसिस, सो इट विल कम ऑन द सिम्फाइसियल सरफेस, देन प्यूबिक क्रेस्ट, एंड अल्टीमेटली यू विल रीच टू द प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है। सो इस तरह से अगर हम ये देखें तो ये जो पूरा की पूरा फेशिया था वो यहां पे इस तरह से ऊपर की तरफ अटैच था, ठीक है, यानी ये क्या हो गया, एक रिंग शेप स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो रिंग शेप स्ट्रक्चर का जो अपर अटैचमेंट है फेशियल लाटा का, वो कहां से स्टार्ट होकर कहां पे एंड होता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड इन द सीक्वेंस, दैट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द प्यूबिक ट्यूबरकल, सो फर्स्ट प्यूबिक ट्यूबरकल से कहां गया, इट विल रन अलोंग विद द इंग्वाइनल लिगामेंट, इट विल अटैच अलोंग द इंग्वाइनल लिगामेंट, नाउ देन आउटर लिप ऑफ इलियक क्रेस्ट, नाउ फ्रॉम द आउटर लिप ऑफ इलियक क्रेस्ट यू विल रीच पोस्टीरियरली वेयर इट विल अटैच अलोंग द डॉर्सल सरफेस ऑफ सैक्रम, देन यहां जो डॉर्सल सरफेस ऑफ सैक्रम है वहां पे आपको एक लिगामेंट मिला, दैट इज नोन एज सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, ठीक है। तो ये फेशिया अटैच हुआ सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट से आप कहां पहुंच गए, इस्चियल ट्यूबरोसिटी पे, कहां अटैच हो गए अभी जाके, इस्चियल ट्यूबरोसिटी। इस्चियल ट्यूबरोसिटी कंटिन्यू करती है इसके रैमस से, वो रैमस प्यूबिक के रैमस के साथ मिल गया जिसको हमने नाम दिया इस्चियो प्यूबिक रैमा है,
इस्टियो प्यूबिक रेमा है, तो ये अटैच हो गया आउटर बॉर्डर ऑफ इस्टियो प्यूबिक रेमा से। इस्टियो प्यूबिक रेमा से अटैच होने के बाद ये कहां पहुंच गया, सिम्फाइजियल सरफेस पे। कहां पे? सिम्फाइजियल सरफेस, और सिम्फाइजियल सरफेस से होता हुआ वापस से रिंग कहां पहुंच गया, प्यूबिक क्रेस्ट एंड प्यूबिक क्रेस्ट से प्यूबिक ट्यूबरकल। ठीक है, तो ये जो हमने रिंग बनाया ये रिंग क्या कहलाया, अपर अटैचमेंट ऑफ फेशियल अडा। ठीक है, कैसे शुरू हुआ था, प्यूबिक ट्यूबरकल, प्यूबिक ट्यूबरकल से इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट से आप कहां गए, आउटर लिप ऑफ द इलियक क्रेस्ट, वहां से आप कहां गए, डॉर्सल सरफेस ऑफ द सैक्रम, वहां से आप कहां गए, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट से यू विल रीच टू द इस्टियो ट्यूबरोसिटी, इस्टियो ट्यूबरोसिटी से यू विल रीच टू द इस्टियो प्यूबिक रेमा, वहां से आप पहुंच गए सिम्फाइजियल सरफेस ऑफ द प्यूबिस पे, वहां से आप पहुंच गए क्रेस्ट ऑफ द प्यूबिस पे, एंड अल्टीमेटली यू विल एंड अगेन विद द प्यूबिक ट्यूबरकल। ठीक है, सो ये कहलाया आपका सुपीरियर अटैचमेंट ऑफ द फेशियल आटा एंड अराउंड द अपर पार्ट ऑफ द थाई, और यू कैन सी पेल्विक गर्डल। नाउ व्हाट इज द डिस्टल अटैचमेंट ऑफ दिस फेशियल आटा। सो आपने फ्रंट ऑफ थाई में जब ये देखा, ठीक है, कि जब हम थाई देख रहे हैं, सो थाई में वी हैव सीन दैट यहां से आपने एक रिंग शेप अभी अटैचमेंट पढ़ा, किसका, सुपीरियर अटैचमेंट ऑफ डी फेशिया का। अब ये डी फेशिया पूरी थाई को कवर कर रहा है, ठीक है, नीचे जाके कहां अटैच हुआ, तो ये आपका क्या है, नी जॉइंट, दिस इज योर पटेला। ठीक है, सो यहां पे बिलो द नी जॉइंट, यानी नी जॉइंट को क्रॉस करेगा, और ये फेशिया क्रॉस करने के बाद इट विल मर्ज विद द पेरी ऑस्टियम, इट विल मर्ज विद द पेरी ऑस्टियम ऑफ पटेला, पटेला के साथ ये मर्ज हो जाता है, अटैच हो जाता है। दूसरा, इट विल मर्ज विद द एरिया अराउंड द कॉन्डाइल्स ऑफ टीबिया, कॉन्डाइल ऑफ टीबिया, जो टीबिया के कॉन्डाइलर एरियाज होते हैं, उन कॉन्डाइलर एरियाज की पेरिओस्टियम पे मर्ज हो जाता है, एंड हेड ऑफ फिबुला। ठीक है, बिकॉज यहां पे जब आप पहुंचते हो, इस एरिया में जब आप पहुंचते हो नी जॉइंट के बिलो एरिया में, तो आप इस फेशिया का जब डिसेक्शन करोगे तो यहां पे इसको सेपरेट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज ये फेशिया मर्ज हो गया या अटैच हो गया अराउंड दीज बोन्स। ठीक है, किस किस से अटैच हुआ, ये पेरिओस्टियम ऑफ द टीबियल कॉन्डाइल्स एंड हेड ऑफ फिबुला के साथ मर्ज हो जाता है, एंड इट ऑल्सो गेट अटैचमेंट टू द पटेला। ठीक है, बट नी जॉइंट के पीछे क्या हुआ, पीछे की तरफ ऑन द पोस्टीरियर साइड वेयर यू विल हैव अ डिप्रेशन इज नोन एज पॉपलीटियल फोसा, that depression is known as popliteal fossa on the back of the knee joint, वहां पे ये जो deep fascia हमारा नीचे जा रहा है, on the back of the side, this popliteal fossa form the deep fascia of the popliteal fossa, that is known as popliteal fascia, वो क्या कहलाएगा, popliteal fascia, so पीछे की तरफ अगर आप dissection कर रहे हो, on the posterior aspect of the thigh, you will realize that the fascia is continue in the posterior side of the knee joint as a popliteal fascia of the fossa, and then this will go continue in the lower limb in the leg where you will have the fascia cruris. ठीक है, so this is the important thing which you have to remember, कि ये जो deep fascia हमने पढ़ा, ये deep fascia ऊपर तो ring की form में attached था, ठीक है, जो हमने pubic tubercle से start किया, और after covering the thigh, as soon as it will cross the knee joint anteriorly and laterally and medially, it will merge with the condyles of the tibia, head of the fibula and the patella, but on the posterior side of the knee joint where you will have the popliteal fossa, this part of the deep fascia posteriorly form the popliteal fascia, and that popliteal fascia is later on continue in the leg. ठीक है, so this is the attachment of the facial arta, that is the superior and inferior attachment. Now there are three modifications of the deep fascia of thigh. Deep fascia of thigh में जो तीन modifications आप पढ़ते हो, ठीक है, उसमें से एक modification तो मैं अभी just आपको मैंने बताया, वो कहलाता है intermuscular septa. ठीक है, so intermuscular septa जो होते हैं, ये circumference ऑफ डीप फेशिया को थाई को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट। नाउ सेकंड मॉडिफिकेशन इज नोन एज सेफेनस ओपनिंग, सेकंड इज सेफेनस ओपनिंग,
एंड जो थर्ड है दैट इज इलियो टीबियल ट्रैक. व्हाट इज दैट? इलियो टीबियल ट्रैक. तो व्हाट इज सैफेनस ओपनिंग? सैफेनस ओपनिंग मतलब ये हुआ कि जब हम फ्रंट ऑफ थाई का डिसेक्शन करेंगे और स्किन निकालेंगे, उसके बाद जब आप फैट को रिमूव करोगे तो आपको 4 सेंटीमीटर बिलो ए लैटरल टू प्यूबिक ट्यूबरकल, मतलब ये अगर हमारा फ्रंट ऑफ थाई है तो यहां पे जब आप हिप बोन देखते हो तो ये हिप बोन होता है ना, और उसका एक प्रोमिनेंस है, दिस इज नोन एज प्यूबिक ट्यूबरकल. ठीक है, ये आपका हिप बोन है. इस प्यूबिक ट्यूबरकल से 4 सेंटीमीटर बिलो एंड 4 सेंटीमीटर लैटरल, कितना? 4 सेंटीमीटर बिलो एंड 4 सेंटीमीटर लैटरल अगर हम सरफेस मार्किंग में देखेंगे तो फ्रंट ऑफ थाई में डीप फेशिया में एक ओपनिंग नजर आएगी, दैट ओपनिंग इज नोन एज सैफेनस ओपनिंग. ठीक है, ये जो सैफेनस ओपनिंग होती है, ये सैफेनस ओपनिंग होती है मेनली ग्रेट सैफेनस वेन के लिए. ग्रेट सैफेनस वेन के लिए ये ग्रेट सैफेनस वेन सुपरफिशियल से डीप हो जाती है बाय पासिंग थ्रू दिस सैफेनस ओपनिंग. ग्रेट सैफेनस वेन इज द लार्जेस्ट क्यूटेनियस वेन ऑफ द बॉडी जो कि मीडियल साइड ऑफ द लोअर लिम में होती है, एंड ये मीडियल साइड से रन करती हुई इस सैफेनस ओपनिंग से पास होती है एंड ये डीप हो जाती है, यानी ये फिमोरल वेन में ओपन हो जाती है. ठीक है, तो ये जो सैफेनस ओपनिंग है, ये सैफेनस ओपनिंग बनती कैसे है? देखिए, ये सैफेनस ओपनिंग जैसा हमने सर्कल बनाया ऐसा नहीं है. इसके दो मार्जिन आप पढ़ते हो, एक कहलाता है लैटरल मार्जिन और एक कहलाता है मीडियल मार्जिन. ये जो मीडियल मार्जिन है ये वेल डिफाइंड नहीं होता, लेकिन इसका लैटरल मार्जिन वेल डिफाइंड होता है, एंड ये वेल डिफाइंड लैटरल मार्जिन जो है ये क्या कहलाता है? फैल्सिफॉर्म मार्जिन. दिस इज फैल्सिफॉर्म मार्जिन. अभी बना कैसे? सपोज करो कि ये मेरा डीप फेशिया है, इस डीप फेशिया में एक अपर्चर है, एक होल क्रिएट हुआ, ये क्या कहलाया? सैफेनस ओपनिंग. लेकिन इस डीप फेशिया को अगर मैं इस पेपर को कट करता हूं तो यू कैन सी दैट अगर हम इसको ऊपर मार्जिन से कट करते हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया. इसके अगर हाफ इसको स्पाइरल तरीके से फोल्ड करो, है ना, एक तो ये एक ही प्लेन में है, यू कैन सी दैट पूरा पेपर एक प्लेन में है, लेकिन अगर मैं इसको स्पाइरल तरीके से फोल्ड कर दूंगा, ठीक है, इस तरह से स्पाइरल, तो यू कैन सी दैट द प्लेन ऑफ बोथ द स्ट्रेटा हैज बीन चेंज. ठीक है, तो ये जो पीछे गया ये क्या कहलाया? डीप स्ट्रेटा. और जो ये आगे आ गया ये क्या कहलाया? सुपरफिशियल स्ट्रेटा. ये जो सुपरफिशियल स्ट्रेटा होता है, ये सुपरफिशियल स्ट्रेटा इसकी लैटरल एंड लोअर मार्जिन बना रहा है. ठीक है, ये सुपरफिशियल स्ट्रेटा इस फोरामेन की कौन सी मार्जिन बना रहा है? लैटरल एंड लोअर. यानी ये मैं किस साइड की बात कर रहा हूं? मेरे लेफ्ट साइड की सैफेनस ओपनिंग की बात कर रहा हूं. तो मेरे लेफ्ट साइड की सैफेनस ओपनिंग में मैंने क्या किया कि इस पेपर को ऐसे टियर किया, ठीक है, और टियर करने के बाद इसको दो पार्ट में डिवाइड किया. ठीक है, ये जो सुपरफिशियल स्ट्रेटा कहलाया ये डीप स्ट्रेटा कहलाया. ये जो सुपरफिशियल स्ट्रेटा और डीप स्ट्रेटा है ये बॉडी में ऐसे स्पाइरली टर्न करते हैं. ठीक है, स्पाइरली टर्न करके ये आगे आ गया. ठीक है, ये वाला पार्ट आगे आ गया और इसने क्या बनाया? इस ओपनिंग का लैटरल एंड इंफीरियर मार्जिन बनाया. यानी लोअर एंड लैटरल मार्जिन इज शार्प, लोअर एंड लैटरल मार्जिन इज शार्प, एंड दिस लोअर एंड लैटरल मार्जिन यू कैन फील इन द डिसेक्शन, एंड दिस इज नोन एज फैल्सिफॉर्म मार्जिन ऑफ द सैफेनस ओपनिंग. व्हाइल जो इसका जो मीडियल मार्जिन होता है ये वेल डिफाइंड नहीं होता, इट इज ए वेरी इल डिफाइंड और पुअरली डिफाइंड. ये मीडियल साइड जो होता है ये पुअरली डिफाइंड होता है, इट इज नॉट वेल डिफाइंड. जब भी हम डिसेक्शन करेंगे हमें इसका लैटरल मार्जिन जो कि इसकी लैटरल एंड लोअर बॉर्डर बना रहा है, जो कि इसके सुपरफिशियल स्ट्रेटा से बन रहा है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? फैल्सिफॉर्म मार्जिन ऑफ द सैफेनस ओपनिंग. ये हमें डिसेक्शन में बहुत क्लियरली फील होता है व्हेन यू विल पास द फिंगर थ्रू द सैफेनस ओपनिंग. क्लियर? तो जब भी आप सैफेनस ओपनिंग पढ़ते हो आपको ये एक कॉन्सेप्ट याद रखना होता है कि फैल्सिफॉर्म मार्जिन किधर है. सो फैल्सिफॉर्म मार्जिन किधर है? इट इज फॉर्म इन द लैटरल एंड लोअर पार्ट. It is formed by the superficial strata because of the spiral arrangement of the upper part of this deep fascia. ठीक है, तो इसका जो deep strata होता है, जो इसके deep चला गया because of the spiral curving, उसकी वजह से medial margin is not
वेल डिफाइंड। क्लियर? तो सेफेनस ओपनिंग के बारे में दो क्वेश्चन है। पहला कि व्हाट इज द सेफेनस ओपनिंग पोजीशन। सो पोजीशन क्या है? इट इज 4 सेंटीमीटर बिलो ए लैटरल टू द प्यूबिक ट्यूबरकल व्हिच इज अ बोनी लैंडमार्क। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सेफेनस ओपनिंग जो है उसका कौन सा मार्जिन शार्प है। सो आंसर इज लैटरल एंड लोअर मार्जिन इज शार्प। ठीक है, लैटरल एंड लोअर मार्जिन इज शार्प। यहां पे एक और तीसरा क्वेश्चन आता है कि नेम द स्ट्रक्चर विच पासिस थ्रू द सेफेनस ओपनिंग। कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो सेफेनस ओपनिंग से पास होते हैं। तो सेफेनस ओपनिंग जो है अभी मैंने बताया किसके आगे है, डीप फेशिया का ओपनिंग है। तो इसके पीछे हमें क्या मिल रही है, डीप वेन्स एंड आर्टरीज, है ना। तो सपोज करो अगर हम इसको साइड से देखें, ठीक है, तो आगे क्या होगा, सेफेनस ओपनिंग होगा। ये सेफेनस ओपनिंग बनाया, ठीक है, और ये आपकी थिकनेस है थाई की, ये स्किन है और ये सबक्यूटेनियस टिश्यू है। ठीक है, अब यहां पे जो हम देख रहे हैं, एक मैंने आपको बताया ग्रेट सेफेनस वेन अंदर गई, ठीक है, ये वेन अंदर जा रही है थ्रू द ओपनिंग। ये वेन किसमें ओपन हो गई, ये वेन ओपन हो गई डीप वेन में जो यहां पे है, और इस डीप वेन का नाम है फीमोरल वेन। ठीक है, क्या नाम है, फीमोरल वेन। इस फीमोरल वेन के अलोंग एक और स्ट्रक्चर होता है, दैट इज अगेन द डीप स्ट्रक्चर, दिस इज फीमोरल आर्टरी। क्या है, फीमोरल आर्टरी। इस फीमोरल आर्टरी की तीन सुपरफिशियल ब्रांच है, कितनी सुपरफिशियल ब्रांच, थ्री। ठीक है, उन सुपरफिशियल ब्रांच के नाम क्या क्या है, सुपरफिशियल, तीनों आर्टरी के आगे हमें सुपरफिशियल लगाना है। पहली आर्टरी है सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल। दूसरी आर्टरी है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक। और तीसरी आर्टरी है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक। ठीक है, तो ये जो तीन आर्टरी हैं जो इस में से निकलेंगी, है ना, उनको अगर सुपरफिशियल होना है तो एक्सेप्ट दिस सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल एंड सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक भी इसी ओपनिंग के थ्रू सुपरफिशियल होती है। ठीक है, तो यहां पे आपने तीन स्ट्रक्चर देखे जो सुपरफिशियल हुए। ठीक है, जो सेफेनस ओपनिंग के थ्रू पास हो रहे हैं, कौन कौन से तीन स्ट्रक्चर है। पहला एंट्री ऑफ द ग्रेट सेफेनस वेन, ग्रेट सेफेनस वेन किसमें ओपन हो गई, फीमोरल वेन में। दूसरा, देयर आर टू सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी, कौन कौन सी, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल एंड सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, नॉट द सर्कमफ्लेक्स इलियक। ये याद रखना है, बिकॉज ये ही क्वेश्चन है जो आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि विच ऑफ द ब्रांच ऑफ फीमोरल आर्टरी डज नॉट एग्जिट थ्रू द सेफेनस ओपनिंग। सेफेनस ओपनिंग से कौन सी सुपरफिशियल ब्रांच पास नहीं होती है फीमोरल आर्टरी की, आंसर इज सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। ये इसमें से पास होके बाहर नहीं आती है, इसमें से कौन कौन सी आर्टरी बाहर आई, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल एंड सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं अंदर और बाहर। ये बाहर वाले लिम्फ नोड क्या कहलाए, सुपरफिशियल, अंदर वाले क्या कहलाए, डीप। इन लिम्फ नोड को कनेक्ट करने के लिए जो लिम्फेटिक्स होते हैं, वो लिम्फेटिक्स भी इस सेफेनस ओपनिंग के थ्रू पास होते हैं। ठीक है, लिम्फेटिक्स भी सेफेनस ओपनिंग के थ्रू पास होते हैं और वो सुपरफिशियल एंड डीप लिम्फेटिक्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो इन नटशेल, सेफेनस ओपनिंग के थ्रू कौन कौन से स्ट्रक्चर पास होते हैं, पहला ग्रेट सेफेनस वेन, दूसरा दो सुपरफिशियल ब्रांच किसकी, फीमोरल आर्टरी की, वो कौन कौन सी हैं, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल एंड सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक। तीसरा लिम्फेटिक्स, कौन से लिम्फेटिक्स, जो कि सुपरफिशियल एंड डीप इंटरनल लिम्फ नोड्स को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो सेफेनस ओपनिंग है, सेफेनस ओपनिंग का जो इतना बड़ा स्पेस है, इसके स्पेस को कवर करने के लिए यहां पे इस फाइब्रोफैटी टिश्यू की कवरिंग होती है। ये फाइब्रोफैटी टिश्यू की कवरिंग यहां पे इस सेफेनस ओपनिंग को क्लोज करके रखती है और इतने बड़े गैप को छोटा कर देती है, ताकि जो कंटेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं के आने जाने के लिए वहां पे सफिशिएंट जगह रहे। ठीक है, तो ये जो हमने स्पेस को भर दिया, ये वाला जो फाइब्रोफैटी टिश्यू है, इसको हमने नाम दिया क्रिबरी फॉर्म फेशिया। इसका हमने क्या नाम दिया, क्रिबरी फॉर्म
फेशिया, ठीक है। तो यहां पे आपको क्वेश्चन क्या आया कि क्रिपिफॉर्म फेशिया क्या डी फेशिया का पार्ट है, आंसर इज नो। लेकिन सिम्फेनस ओपनिंग किसके अंदर डिफेक्ट है और किसके अंदर अपर्चर है, डी फेशिया के अंदर। और ये जो डी फेशिया का अपर्चर है जो कि सिम्फेनस ओपनिंग कहलाता है, उसको कवर करने के लिए बाहर की तरफ क्रिपिफॉर्म फेशिया एक एडिशनल कवरिंग है, और इस क्रिपिफॉर्म फेशिया का डी फेशिया से कोई लेना देना नहीं है, है ना। ये डी फेशिया से नहीं बना है, ये तो जो आपका सुपरफिशियल फाइब्रोफैटिक टिश्यू है उसका मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है अबाउट द क्रिबरीफॉर्म फेशिया, जो कि आपके सिफेनस ओपनिंग के चारों ओर के जो गैप्स हैं उनको फिल करके रखता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट द सिफेनस ओपनिंग। नाउ देयर इज अ थर्ड मॉडिफिकेशन इज नोन एज इलियोटिबियल ट्रैक। नाउ दिस इलियोटिबियल ट्रैक इज प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड ऑफ द थाई, which starts from the iliac crest and it will cross the knee joint and below it will go and attach to the tibia, ठीक है। ये iliotibial tract क्या है? It is a thick band on the lateral side. Iliotibial tract के बारे में आपको दो important चीजें हैं जो याद रखनी हैं। पहली चीज कि iliotibial tract में name the muscles those insert into the iliotibial tract, which I already told you, tensor fascia lata and 3/4 part of gluteus मैक्सिमस मसल। दूसरा, इसका जो लोअर अटैचमेंट है इलियोटिबियल ट्रैक्ट का, वो कहां होता है? तो इसके नाम में छुपा हुआ है, इलियम से टीबिया तक, इसलिए इसको क्या बोला, इलियोटिबियल ट्रैक्ट। तो टीबिया में कहां पे, वेयर ऑन द टीबिया? आंसर इज गर्डीज ट्यूबरकल। ये गर्डीज ट्यूबरकल कहां होता है? गर्डीज ट्यूबरकल होता है जो लैटरल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया है उसके नीचे, लैटरल कॉन्डाइल ऑफ टीबिया के नीचे की तरफ एक स्मूथ एरिया है, वहां पे एक छोटा प्रोजेक्शन है, दैट इज फॉर द अटैचमेंट ऑफ द टीबिया इज नोन एज गर्डीज ट्यूबरकल, ठीक है। सो ये तो हो गया इसके दो इंपॉर्टेंट थिंग। तीसरा क्या है कि इलियोटिबियल ट्रैक जो है इसका फंक्शन क्या है? तो इलियोटिबियल ट्रैक जो है स्टेबलाइज द नी जॉइंट। ये क्या करता है? नी जॉइंट को स्टेबलाइज करता है व्हेनेवर यू आर हैविंग द फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट इन द वॉकिंग और इन द रनिंग, एट द टाइम इट इज हेल्पफुल इन स्टेबलाइजिंग द नी जॉइंट, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डीप फेशिया ऑफ थाई। थैंक यू।